गुड आफ्टरनून ऑफिसर्स, आपने देखा होगा हाल ही में LIC ने नोटिफिकेशन निकाला है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो ये हमारे सब के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एक रेप्यूटेड जॉब पाने की, और इसी चीज़ को लेकर आज हम इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस सेशन में हम नोटिफिकेशन के कुछ हाईलाइट्स डिस्कस करेंगे और देखते हैं आगे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम नोटिफिकेशन के हाईलाइट्स के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये फॉर्म फिलिंग चालू हो रहा है 2 मार्च से, और ये आपको 2 मार्च से लेकर 22 मार्च तक इसका एक्सटेंशन दिया जाएगा। आप इस टाइम पीरियड में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसी टाइम में आपको सारी प्रोसीजर कंप्लीट करनी है, जैसे कि आपका जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन भरना होगा वो भरना होगा, पेमेंट्स एंड ऑल द प्रोसीजर्स यू हैव टू कवर अप इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टेंटेटिव उन्होंने एग्जाम का डेट्स दिया है, प्रीलिम एग्जाम्स होंगे 4 और 5 मई को और मेंस एग्जाम होगा 28 जून को। ये टेंटेटिव डेट्स दिए हैं, ठीक है। बट IBPS की अगर ये टेंटेटिव डेट्स दिए हैं तो इन्हीं डेट्स के ऊपर ये एग्जाम्स होंगे, ठीक है। अब हम एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम 3 स्टेज में होने वाला है, जैसे पहले स्टेज में प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस होगा, और जो भी प्री और मेंस सिलेक्ट करके जाएंगे क्वालिफाई करके जाएंगे उनके लिए फिर इंटरव्यूज शेड्यूल किए जाएंगे, ठीक है। अब प्री में एग्जाम का पैटर्न क्या है देखते हैं। प्री में हमें मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चंस, ठीक है, और इन 100 क्वेश्चंस के लिए मार्क्स रहेंगे हमें सिर्फ 70 मार्क्स, और इसके लिए टाइम रहेगा 1 घंटे का। प्री में हमें 3 सब्जेक्ट्स फेस करने हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है। इसमें से मैथ्स और रीजनिंग को आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे। ये मार्क्स अब 70 क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग रखा गया, ठीक है। तो ये रहा प्री का एग्जाम पैटर्न। इसके इसमें अगर हम रीजनिंग के पर्टिकुलर रीजनिंग के बारे में अगर बात करते हैं, तो देखो रीजनिंग में हमें करना है फेस 35 क्वेश्चंस, इसके लिए मार्क्स रहेंगे 35 मार्क्स, और इसके लिए टाइम मिलने वाला है हमें मात्र 20 मिनट का, ओके। अब यहां पर एक थोड़ा सा एक और चेंज है, देखो दोस्तों, यहां पर हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए हर एक सेक्शन में मिनिमम स्कोर करने की जरूरत है, हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना है हमें। जैसे कि अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं, तो SC और ST कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए मिनिमम 16 स्कोर लाना मैंडेटरी है, और वही बात अदर कैटेगरीज की, तो ये इनके लिए मिनिमम स्कोर 18 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों प्री का सिनारियो। अब देखो चलते हैं मेंस की तरफ, मेंस में कैसे हमें चीजें फेस करनी है। मेंस में हमें मिलने वाले हैं 120 क्वेश्चंस, और उसको मार्क्स रहेंगे 300 मार्क्स। 120 क्वेश्चन के लिए 300 मार्क्स, देखो सोचने वाली बात है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ रीजनिंग को देखते हैं, तो रीजनिंग में हमें 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिनके लिए वेटेज होगा 90 मार्क्स का, ठीक है, और इसके लिए हमें टाइम मिलने वाला है 40 मिनट्स का। अब देखो क्या समझ में आता है आपको यहाँ पर, हमें यहाँ पर टाइम है सिर्फ 20 मिनट्स और क्वेश्चन है 35 क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर टाइम हमें दिया है 40 मिनट्स का और क्वेश्चंस दिए हैं 30 क्वेश्चंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क का है, यही यहाँ पर आप ये प्रपोर्शन देख रहे हो कि लगभग एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स तक है। क्या समझ में आता है, क्या चाहिए हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए। क्योंकि कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन अगर हम करना चालू करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जिसके चलते हम जिनके दम पर ये एग्जाम सारा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 20 मिनट में अगर 35 क्वेश्चन करने हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, हमें सही क्वेश्चन के सही आंसर सही समय में निकालना है। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो, हमें यहाँ पर सही क्वेश्चन के सही आंसर्स और वो भी सही समय में निकालना है, ठीक है। ये रीजनिंग का पेपर मैं अगर आज भी आपको दे दूँ और आपको कह दूँ कि ये पेपर सॉल्व कर दो, ठीक है, तो आप ये पेपर बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, बस अगर मैं आपके ऊपर टाइम का रेस्ट्रिक्शन ना रखूँ तो। पर हमें यहाँ पर चीज़ों को टाइम में डील करना है, ठीक है। ऐसे ही हमने मेंस में देखा है, मेंस में भी हमारे पास टाइम का रेस्ट्रिक्शन है, तो हमें चीज़ों को टाइम में डील करना है और हम यही सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो मेंस में ये अभी जो मैंने बात कही, ये मेंस में और भी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मेंस में डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल मेंस में कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने, ये जल्दी समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम गलत क्वेश्चन में फंस जाते हैं और उसकी वजह से जो हमारा टाइम हम जो हमें आता है उस पर यूटिलाइज कर सकते थे, उसकी वजह हम क्या करते हैं, गलत क्वेश्चन में फंस जाते हैं और हमारा टाइम वहीं पर चला जाता है,
ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सही क्वेश्चन चुनना जरूरी है, ठीक है। सही क्वेश्चन मतलब जो हम जल्दी से और सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर सही आना जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, और सही समय में, क्योंकि टाइम का रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर है, ठीक है। ये तीन चीज़ें अगर हमारी अच्छी हो गई तो डैम श्योर हमारा परफॉर्मेंस इस एग्जाम में बहुत अच्छा होने वाला, ठीक है। ये तो रहा एग्जाम का पैटर्न और थोड़ी बहुत हमने इंट्रोडक्शन देखा है। अब हम इस सेशन में रीजनिंग से रिलेटेड थोड़ी बात करते हैं। रीजनिंग का सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है। रीजनिंग में हमें कुछ टॉपिक्स फेस करने हैं। जैसे रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक हमें देखना है कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद हमें देखना है ब्लड रिलेशन, इसके बाद हमें देखना है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसके बाद हम देखेंगे इनइक्वालिटीज, इसके बाद आता है सिलॉजिज्म, इसके बाद हमें मिलेगा इनपुट आउटपुट, इसके बाद हमें मिलेंगे पजल्स, ठीक है, और इसके बाद हमें मिलेगा डेटा सफिशियंसी एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये टॉपिक्स हमें देखने हैं दोस्तों रीजनिंग में, ठीक है। अब प्री में भी यही टॉपिक्स रहेंगे, मेंस में भी यही टॉपिक्स रहेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग हालांकि सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो प्री में भी यही सिलेबस है और मेंस में भी यही सिलेबस है, फिर चीज़ें डिफिकल्ट कहाँ पर बनती है, ठीक है। अब देखो कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले तो सिलेबस, उस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंसेप्ट चाहिए क्लियर करने हैं, और उसके बाद हमें जो सीखना है वो एग्ज़ाम। एग्ज़ाम मतलब क्या होता है? देखो सिलेबस तो वही रखते हैं, प्री में भी वही है और मेंस में भी वही है, फिर चीज़ें डिफ़िकल्ट कहाँ पर हो जाती है मैं ये आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ठीक है। आज के सेशन में हम ब्लड रिलेशन पर कुछ सवाल डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सर पहला सवाल दिखाना प्लीज़। देखो पहला सवाल पढ़ो और क्या क्या कर सकते हो आप। देखो क्या दिया है, देखो हमें फैमिली में 7 मेंबर्स है, ठीक है, और सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, बी इज द फादर ऑफ डब्ल्यू एंड टी। पहला पॉइंट क्या दिया है हमें, जैसे जैसे हमने देखा है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं वैसे वैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट था बी इज द फादर ऑफ डब्ल्यू एंड टी। बी डब्ल्यू और टी के पापा है, यहां से समझ में आता है, ठीक है। पापा है मतलब बी का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल, और W और T का जेंडर हमें इस स्टेटमेंट से तो फिलहाल पता नहीं चलता है, ठीक है। तो अब देखो आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है हमें, R इज़ द सन ऑफ W। R किसका सन है, W का, मतलब ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सन है मतलब R होना चाहिए मेल। इस स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ R और W की दी थी, और जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी सारी हमने यूटिलाइज कर ली है। आगे देखो क्या दिया है हमें, R is the only sibling of C. R जो है वो C का इकलौता sibling है। Sibling का मतलब क्या है दोस्तों, sibling का मतलब सगा भाई या सगी बहन, इन दोनों में से किसी को भी हम sibling कहते हैं, ठीक है। अब देखो R C का इकलौता sibling है, मतलब C को R के सिवा ना कोई भाई है ना कोई बहन है, ठीक है, सिर्फ ये ही दोनों child होंगे W के, इतना हमें यहाँ से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या दिया है हमें, M इज द मदर ऑफ C। M क्या दी है हमें, C की मदर दी है, C की मम्मी है, C के पेरेंट यहां पर W हमें पता है क्योंकि ये दोनों कौन थे, सिबलिंग। तो M अगर C की मम्मी है तो W और M का मैरिज होना चाहिए, है ना, और मम्मी है तो जेंडर क्या होगा, फीमेल, और W फादर है तो इनका जेंडर क्या होना चाहिए था, मेल होना चाहिए था। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या दिया था हमें, M इज द डॉटर इन लॉ ऑफ Z। M जो थी वो Z की डॉटर इन लॉ थी, ठीक है। डॉटर इन लॉ मतलब कौन होता है, देखो बेटे की वाइफ, डॉटर इन लॉ का मतलब कौन होता है, बेटे की वाइफ। अब M अगर Z की डॉटर इन लॉ है तो इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि Z के बेटे की वाइफ होनी चाहिए थी, है ना, कौन होनी चाहिए, Z के बेटे की वाइफ। अब देखो इनकी वाइफ है M, मतलब ये कौन होने चाहिए थे, Z के बेटे होने चाहिए थे, इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, इन दोनों की शादी होनी चाहिए थी, ये मेल है तो जाहिर सी बात है Z कौन होना चाहिए, Z फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है, Z हैज़ ओनली वन डॉटर एंड ओनली वन
सन, जेड को सिर्फ एक डॉटर और एक सन है, ठीक है। अब जेड को एक सन तो हो गया, टी का जेंडर फिलहाल हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक डॉटर होनी चाहिए, मतलब टी का जेंडर क्या होना चाहिए था, फीमेल होना चाहिए था। क्लियर हुआ दोस्तों? देखो इस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी थी सारी की सारी हमने सिंबलिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अब नीचे क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज डब्ल्यू हैव, डब्ल्यू को कितने चिल्ड्रन है, ये हमारा सवाल है। अब हमें पता था ना कि यहां पर इन दोनों के सिवा कोई नहीं आने वाला, तो W के कितने चिल्ड्रन आएंगे, दो चिल्ड्रन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, जानबूझ के पहला क्वेश्चन सिंपल लिया है, कुछ और चीज़ें समझानी है मुझे टॉपिक के साथ साथ, कुछ और भी चीज़ें समझानी है, समझते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ब्लड रिलेशन इस टॉपिक में दो चीज़ें हमें आना ज़रूरी है, वो दो चीज़ें कौन सी है, सबसे पहला तो हर रिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जितने भी सारे रिलेशन देखे हैं या आज तक जितने एग्जाम में आए हैं उन हर एक रिलेशन का मतलब इन डिटेल हमें समझना होगा, ठीक है। अब मतलब समझने के बाद उनको हैंडल कैसे करना है, इनके कुछ टैक्टिक्स हमारे अपने अपने होने चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर कुछ यूज़ किए हैं, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, मैरिड कपल के लिए डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम जनरेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तो बन गया हमारा, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। यहाँ से आप ये क्वेश्चन दोबारा देख लेना, अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये क्वेश्चन क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना प्लीज। सर ओके अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सामने है, स्क्रीन पर है। अब हमें क्या दिया है, इन अ फैमिली इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टन पीपल इज नोन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था कि फैमिली में सात लोग हैं, यहाँ पर क्या दिया है कि कुछ ही लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता है, ठीक है। डिफरेंस नोट कर रहे हो, पहले लोग कितने थे ये फिक्स है, यहाँ पर लोग कितने हैं यही फिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं, के एंड एफ आर चिल्ड्रन ऑफ ई हु इज नॉट देयर मदर। क्या मतलब है इसका कि के और एफ जो है ये ई के चिल्ड्रन होने चाहिए पर ई उनकी मदर नहीं होनी चाहिए। मदर नहीं होनी चाहिए मतलब ऑब्वियसली वो कौन हो जाएंगे, वो फादर हो जाएंगे। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है, ई इज द फादर ऑफ के एंड एफ। क्या समझ में आता है हमें, ई इज द फादर ऑफ के एंड एफ। फिर से यहां पर इन दोनों में से किसी के भी जेंडर के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है, जी इज द सन ऑफ के। आगे क्या दिया है कि जी जो है वो के का सन है, मतलब ये ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है हमें, जी इज द ओनली ब्रदर ऑफ जे। स्टेटमेंट मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना, जी इज द ओनली ब्रदर ऑफ जे। जी जो है वो जे का इकलौता भाई है, जे का इकलौता भाई। क्या मतलब है इसका, एक बार फिर से समझते हैं कि जे को जी के सिवा और कोई भाई नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने, और कोई भाई नहीं हो सकता, उसको बहन हो सकती है क्योंकि हमें क्या दिया था, जी इज द ओनली ब्रदर ऑफ जे। समझ में आ गया, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, रीजनिंग में सारा खेल लफ्जों का होता है, ठीक है। अब हमें यहां इतना तक, यहां तक तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं हमें क्या दिया है, एच इज द मदर ऑफ जे। एच जो है जे की मदर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जे के पेरेंट तो के है, ये चीज तो हमें पता है। अब एच इनकी मदर होनी चाहिए, मतलब एच की और के की शादी होनी चाहिए, ओके। और मदर यानी एच का जेंडर फीमेल होना चाहिए, और एच फीमेल है तो जाहिर सी बात है के का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, एच इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आई। एच जो है वो आई की डॉटर इन लॉ है। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है कि बेटे की वाइफ। अब आई की डॉटर इन लॉ होगी मतलब कौन होगी, आई के बेटे की वाइफ होनी चाहिए थी, ओके। अब देखो एच तो के की वाइफ है, मतलब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया उस हिसाब से के आई का बेटा आना चाहिए था। आई का बेटा आना चाहिए मतलब ई और आई इन दोनों की शादी होनी चाहिए, ठीक है। अब ई मेल है तो जाहिर सी बात है आई क्या होना चाहिए था, फीमेल होनी चाहिए थी, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है, आई हैज़ ओनली वन डॉटर एंड ओनली वन सन। आई को भी
सिर्फ एक बेटा है और एक बेटी है, अब एफ का जेंडर तो पता नहीं था, पर एक बेटी होनी चाहिए, मतलब ये कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, हमने जो भी अब तक ये डिस्कस किया है क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखो, क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज के हैव, के को कितने चिल्ड्रन हैं, यहां पर कितने दिखाई देते हैं, दो, तो यहां से आंसर कर सकते हैं हम, दो कर सकते हैं। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, अब यहां पर दो आंसर हमारा गलत है। ठीक है, हालांकि हमें यहां पर दो ही चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कहा था कि फैमिली में कितने लोग हैं ये हमें पता नहीं है, क्योंकि फैमिली में जो जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ ही लोगों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मालूम है। ठीक है, तो फैमिली में लोगों का काउंट फिक्स नहीं है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, एक पॉइंट ज़रा नोट करना आप, यहाँ पर हमने क्या दिया था, उन्होंने क्या दिया था कि जी जे का इकलौता भाई था, इकलौता भाई मतलब यहाँ पर इनको बहन भी हो सकती है ना, है कि नहीं। एक तो लोग फिक्स नहीं थे, अगर लोग भी फिक्स दिए रहते तो हम वहां से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आइडिया लगा लेते। ठीक है, तो ये इनका इकलौता भाई है, मतलब यहां पर इसको बहन भी हो सकती थी, है ना। अब देखो, इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हम दो नहीं कर सकते हैं, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आ गया सबका, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों आप सबको, क्लियर है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि शुरुआत में हमें फैमिली में कितने लोग हैं यही पता नहीं था। ठीक है, पहली बात, और दूसरी बात, हमें क्या दिया था कि जे का जी जो है वो इकलौता भाई है, मतलब जे को जी के सिवा दूसरा कोई भाई नहीं होगा, उसको बहन हो सकती थी, और इसी के चलते के को कितने चिल्ड्रन हैं हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, अब आप में से मैक्सिमम लोगों को ये दोनों भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, यहां पर हमने समझा है सिर्फ ब्लड रिलेशन। ओके, अब एग्जाम कोई भी क्लियर करनी है तो हमें दो चीजें आना जरूरी है, दो चीजों को हमें समझना जरूरी है। कौन सा, उसमें से एक टॉपिक जो भी अभी हमने समझने की कोशिश की है, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन लेकर बस एक थोड़ा सा अप्रोच देने की कोशिश की है यहां पर। ठीक है, टॉपिक समझना सबसे पहले तो जरूरी है, उसके बाद जो हमें समझना है वो है एग्जाम। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि चीज़ें क्या और कैसे कैसे बदलती है। ठीक है, चलो सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। ओके, ये क्वेश्चन पहले हम आंसर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश दैट जे इज द डॉटर ऑफ एच। अब हमें क्या बताना है, हमें क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन में से कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है जिसको लेकर हम बता सकते हैं कि जे जो है वो एच की डॉटर है। ठीक है, जे कौन होनी चाहिए थी, एच की डॉटर। अब ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन में से हम इंफॉर्मेशन पिक करेंगे और देखते हैं उसकी वजह से इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, और उन चेंजेस की वजह से जे फीमेल है कि नहीं ये पता चलता है या नहीं। पहला ऑप्शन क्या था, नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन से हम आंसर कर सकते हैं क्या, वो जे मतलब एच की डॉटर है, नहीं कर सकता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा सरासर गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एफ इज अनमैरिड। अब एफ तो अनमैरिड है ही इसमें ऑलरेडी, इसमें इसका जेंडर कुछ पता चलता है क्या, एफ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी थी इसकी वजह से यहां पर इसका जेंडर नहीं पता चल रहा है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है आई इज द मदर ऑफ एफ, I is the mother of F। इनका जो भी इंफॉर्मेशन दी है इसका और J का जेंडर क्लियर होने का कोई भी रिलेशन नहीं है, यह भी आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या दिया है, H has only one son। H को सिर्फ और सिर्फ एक बेटा है। अब एक बेटा तो यहां पर हो चुका, इसका मतलब यहां पर J का जेंडर क्या आना चाहिए था, फीमेल आना चाहिए था। क्लियर हो गया, ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि एच को सिर्फ एक ही बेटा है और वो तो जी हो चुका है, इसका मतलब जे 100% कौन होनी चाहिए थी, फीमेल होनी चाहिए थी। ठीक है, अब ये जो इस फोर्थ ऑप्शन में जो हमें डेटा दिया गया है इससे हमें ये पता चल रहा है ना कि जे जो है वो एच की डॉटर है। ठीक है, और यही तो हमें बताना था, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 डी। क्लियर हो गया सबको?
ठीक है। अब मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि टॉपिक तो हमने समझ लिया है, ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो सर जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। देखो आपके सामने दो क्वेश्चंस के आंसर है जो अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। ऊपर वाला आंसर है पहले क्वेश्चन का और नीचे वाला आंसर है दूसरे क्वेश्चन का जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो तो दोनों की फैमिली ट्री एकदम सेम बनी है, ठीक है। फिर भी हमें थोड़ा सेकेंड क्वेश्चन ने थोड़ी सी तकलीफ दी एक्स्ट्रा, क्यों दी इसके ऊपर बात करते हैं। पहले आप तो ऑब्जर्व कर लो, पहले कि इसमें हमें क्या पूछा था, फैमिली ट्री बिल्कुल सेम है, बस मैंने क्या किया है यहाँ पर उनमें जो वेरिएबल थे और उनमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके तरीके थोड़े से बदले, ठीक है। अब अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि सेकेंड क्वेश्चन हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों लगा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन देने का तरीका बदला हुआ था, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि आर इज द ओनली सिबलिंग ऑफ सी, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, जी इज द ओनली ब्रदर ऑफ जे। ये इंफॉर्मेशन देने का तरीका है ना, ठीक है। क्वेश्चन को सिर्फ दो चीजों से आसान या डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, और वो दो चीजें कौन सी है, वो दो चीजें हैं कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कितनी दी जाती है और किस तरीके से दी जाती है, ठीक है। प्री और मेंस में सिलेबस सेम रहने के बावजूद भी चीजें आसान और डिफिकल्ट लगती क्यों है, बेसिकली सिर्फ इसी की वजह से लगती है, ठीक है। अब डिफ़िकल्ट चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ये करने के लिए, ये सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे हर एक टॉपिक में, उसकी जो बारीकियाँ है उसको समझेंगे, ठीक है, और वो समझ में आने के बाद हम चलेंगे अपने एडवांस लेवल पर। एडवांस लेवल मतलब क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट योर कैपेसिटी टू हैंडल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमने ब्लड रिलेशन थोड़ा बहुत डिस्कस किया ही है, ठीक है, और इसके साथ साथ एग्जाम में क्या क्या और किस तरीके के चेंजेस आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि ऐसे ही सेशंस आपके साथ शेयर किए जाए, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो आज यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, उसकी कुछ डिटेल समझने में, ठीक है। चलो थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। Thank you.